नमस्कार, हिंदी यूनिवर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम रूल 21 देखेंगे। इससे पूर्व हमने रूल 20 देखा था। रूल 20 जो है उसमें जो लॉस सरकार को होता या किया जाता वह कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर किया जाता। इस प्रकार का जो लॉस है वो गबन की श्रेणी में आता। जो जानबूझ किया जाता अपने लाभ के लिए किया जाता वो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता, फ्रॉड की श्रेणी में आता। तो जो रूल 20 है उसमें जो लॉसेज है, जो हानियां है, ऐसी हानियां जो सरकार को जानबूझ के की गई अपने लाभ के लिए की गई, ऐसी हानियां रूल 20 में आती है। और इनकी रिपोर्ट, इनका प्रतिवेदन किस किस अधिकारी को देना है वो विस्तार से इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो रूल 21 देखने से पूर्व आपको देख लेना चाहिए। रूल 21 में ऐसी हानियां जो दुर्घटनावश हुई हानियां है, ऐसी हानियां जो दुर्घटना के कारण सरकार को हो गई, जैसे आग द्वारा, जैसे बाढ़ के कारण, जैसे चक्रवात के कारण या भूकंप के कारण, इन जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण सरकार को जो हानि होती है, ऐसी हानियों की रिपोर्ट किस तरह से और किसको भेजनी है यह हमें नियम बताता है रूल 21, लॉसेज बाय एक्सीडेंट्स, दुर्घटना हानियों की रिपोर्ट। यदि ऐसी दुर्घटना से यदि कोई हानि हुई है और वह हानि 15,000 रुपये की है या 15,000 से अधिक की है, तो ऐसी हानि की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है। किसको भेजी जाती है? विभागाध्यक्ष को। कौन भेजता है? जिस विभाग या जिस ऑफिस के अधीन संपत्ति है। जो रूल 21 में जो हानियां है वो एक्सीडेंट से होती है और इस प्रकार की हानि अचल संपत्ति की हानि होती है, अचल संपत्ति की हानि। तो जो अचल संपत्ति की हानि हुई है, ऐसी अचल संपत्ति जिस अधिकारी के अधीन है उस विभागीय अधिकारी द्वारा, उस विभागीय अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है। और ऐसी रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है। तो ऐसी संपत्ति जो 15,000 रुपये की है या 15,000 से अधिक की है और उसकी कारण प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी हानि हुई है, तो उसकी रिपोर्ट विभागीय अधिकारी संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट तुरंत भेजी जाएगी। जैसे ही इसी संपत्ति के नुकसान हानि का पता लगता है तुरंत इसकी सूचना, इसकी रिपोर्ट बनाकर विभागाध्यक्ष को भेजी जाएगी और उसके बाद में सरकार को भी इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो प्रश्न इसमें बनता है, वो सबसे पहले ये बनता है कि जो अचल संपत्ति है 15,000 तक की या 15,000 से अधिक, तो उसकी रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है। और यदि ऐसी संपत्ति 15,000 से कम है तो उसकी रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को तो भेजी जाती है, विभागाध्यक्ष को तो भेजी जाती है लेकिन सरकार को नहीं भेजी जाएगी। इसका अपवाद ध्यान में रखना है। जबकि 15,000 और 15,000 से अधिक की संपत्ति के मामले में पहले विभागाध्यक्ष को तुरंत भेज दी जाएगी, उसके बाद सरकार को भेजी जाएगी। तो अचल संपत्ति की हानि जो कि दुर्घटनावश हुई है, किस कारण से हुई है? प्राकृतिक आपदावश हुई है, ऐसी हानि की रिपोर्ट तुरंत भेज दी जाती है और एक रिपोर्ट विस्तृत जांच करने के बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाती है। तुरंत किसको भेजी जाती है? HOD को। और विस्तृत रिपोर्ट किसको भेजी जाती है?
ये भी HOD को, लेकिन इसकी एक प्रति जो है विस्तृत रिपोर्ट की एक प्रति किसको भेजी जाती है, AG को भी भेजी जाती है, यानी महालेखाकार को भी इसकी विस्तृत जांच की कॉपी भेजी जाएगी, और जो हानि हुई है इसकी तुरंत रिपोर्ट बनाकर विभागाध्यक्ष को भेजी जाएगी और उसके बाद में सरकार को भी भेजी जाएगी। तो सबसे पहले इसका जवाब बनता है वो विभागाध्यक्ष बनता है, और ये किस सीमा तक है, यह 15,000 और उससे अधिक की संपत्ति के मामले में, और 15,000 से कम के मामले में विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है, लेकिन AG को नहीं भेजी जाती और सरकार को नहीं भेजी जाती, ये विशेष ध्यान रखना है। तो जो नियम 21 है, दुर्घटना वश जो हानियाँ हुई है प्राकृतिक कारणों से हानियाँ हुई है उसकी रिपोर्ट किसको भेजी जाती है, विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है, और यह 15,000 की हानि हुई है या उससे अधिक हुई है या उससे कम हुई है, ये इसका आकलन कैसे किया जाएगा, तो यह पुस्तक मूल्य जो है पुस्तक मूल्य लिया जाएगा उस संपत्ति का पुस्तक मूल्य लिया जाएगा, वही उसका मूल्य माना जाएगा और उसके आधार पर आकलन किया जाएगा कितना रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि विभागीय अधिकारी किसको रिपोर्ट भेज देगा, विभागाध्यक्ष को भेज देगा, ये सूचना तुरंत भेज दी जाएगी, और फिर विस्तृत रिपोर्ट जो है बाद में बनाकर इसको ही विभागाध्यक्ष को भेज दी जाएगी, HOD जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, लेकिन इसकी एक रिपोर्ट की प्रति एक कॉपी इसकी AG को भी भेजी जाएगी, और जो तुरंत रिपोर्ट भेज जाती है वो विभागाध्यक्ष को भेजने के बाद में इसकी एक कॉपी सरकार को भी भेजी जाती है। तो जो रूल 21 है लॉसेज बाय एक्सीडेंट, इसका जो मुख्य केंद्र है वो विभागाध्यक्ष है कि विभागाध्यक्ष को ऐसी सूचनाएँ ऐसी रिपोर्ट बना के भेजी जाती है। रूल 20 में हमने विस्तार से 6 उसके उपनियमों को देखा था कि ऐसी हानियाँ जो कर्मचारियों द्वारा गबन के द्वारा नियमितता के द्वारा जानबूझकर अपने लाभ के लिए राजस्व हानि किसी भी तरह की हानि सरकार को कर दी जाती है तो उसकी रिपोर्ट किस तरह से भेजी जाती है, वो नियम 20 में आप देख सकते हो। अब हम जो हानि जानबूझ की गई या प्राकृतिक कारणों से हुई, इन दो तरह की हानियों की रिपोर्ट समझ ली है। रूल 21 से रूल 23 तक हानियों का उत्तरदायित्व, हानियों का अपलेखन, इनके संबंध में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।